देखिए दिखने में बिल्कुल मार्केट के जैसा और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चों को कुरकुरे बहुत ही पसंद होते हैं, इसलिए आप घर पे इसे बना के रख सकते हैं और बच्चे जब मांगें तब इसे आप फ्राई करके दे सकते हैं और इसे आप ट्रेबल में भी ले जा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए कितने क्रंची, बिल्कुल मार्केट के जैसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अल्पना साही में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्रंची कुरकुरे की रेसिपी को। मैंने लिया है यहाँ पे एक पैन, पैन के अंदर डालेंगे हम एक कप पानी। पानी डालने के बाद हम गैस को ऑन कर देंगे। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। इसी के साथ साथ इसमें डालेंगे कुछ बूंदे ऑयल की और 1 टीस्पून जीरा, कुछ कटी हुई मिर्च, धनिया के पत्ते, सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे और इसी के साथ साथ ऐड करेंगे 1 कप चावल का आटा। यहाँ पे जो चावल का आटा है उसे हमें धीरे धीरे इसमें मिक्स करना है और एक साथ सारा नहीं डालना है, धीरे धीरे मिक्स करते हुए इसमें ऐड करना है। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने खाली बाउल लिया, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम बारीक चीनी या बोल सकते हैं बूरा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो सारे मसाले हमने मिक्स किए थे उनको इस डोप के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस डोप के साथ। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक खाली बाउल, इस खाली बाउल के अंदर ये हमारा जो डोप है उसको डाल देंगे और हथेली में ऑयल लगाते हुए इसको अच्छे से गूथेंगे और इसको हमें सॉफ्ट डोप तैयार करना है। देखिए हमारा जो डोप है गूथ के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी जिस अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो डोप है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मैं इसको एक लोई के बराबर इसको तोड़ लूँगी और बाकी जो है उसको ढक कवर करके रख दूँगी। यहाँ पे मैं मशीन लिया है, मशीन को अच्छे से हम इसके सारे पार्ट को ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के, जिससे कि ये हमारा डोप जो है इसमें चिपके नहीं। उसको इसके अंदर फिट कर देंगे और इसमें जो डोप है उसको डाल देंगे और इसको बंद करके हम इस तरह से पुश करते हुए बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये बन जा रहा है। अब इसको मैं बीच बीच में कुरकुरे के साइज़ का कट करके रख लूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप घर पे बिना मशीन के भी आराम से हाथ से बना सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी भी बना लूंगी। आप इन कुरकुरों को धूप में 2 से 3 दिन तक अच्छे से ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद जब इसे आपको खाने का मन करे तब इसे आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, ऑयल गरम हो चुका है। अब कुरकुरे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा है। तो अब मैं कुरकुरे को इसमें डालते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे हम फ्राई करना है।
अगर आपको एक कुरकुरे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।